Hi guys, very good morning to all of you and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी मेरी फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने के लिए. सो उसको भी व्लॉग में इंक्लूड करेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे कि इतने टाइम बाद उसको मिलके मुझसे कैसा लगता है. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. फ्रेंड आ गई है मुझसे मिलने के लिए. दृष्टि से हाय. हाय. देखो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड ब्राउनी हो रही है मिलने के लिए. सो मेरी फ्रेंड आ गई है मिलने के लिए. अब मैं उससे मिलूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं. बाय. फिर हमने साथ में पिज़्ज़ा भी खाया था. तो गाइस अब हम यहाँ पे रील्स बना रहे थे और रील्स में हम सॉन्ग यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते थे वरना कॉपीराइट आ जाता. अगर आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं. मैं आईडी नेम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. गाइस मैं सोचूँगी मम्मा से ऑयलिंग करा लूँ और फिर चलते हैं मम्मा के पास और उनसे ऑयलिंग कराती हैं अपने बालों में ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए और मैं आराम से सो सकूँ. मेरे अच्छे से तेल लगा रही हैं बालों में और इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी. हम लोगों को वीक में एक से दो बार तो बालों में तेल लगाना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम खुद का ख्याल रखते हैं हमें बालों का भी ख्याल रखना चाहिए. सो मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नेक्स्ट डे क्या क्या कर रही हूँ. सारा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज अब मैंने बाथ ले लिया है और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है. कल आप देख रहे थे मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था तो अभी मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है. सो गाइज बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग आप लोग मुझे जल्दी जल्दी ये बताइए कि उठने के बाद नींद किसको लगती है और नहाने के बाद भी नींद लगती है क्या. मेरे को ना इस मन हो रहा है बस सो जाओ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, मुझे नींद आ रही है. बट नहीं सो सकते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है. खुद की पैम्परिंग भी करनी है. बहुत दिन से मैं खुद का ख्याल नहीं रख रही हूँ. मेरे नेल्स में मैंने नेल पेंट नहीं लगाया तो मैं लेग्स में नेल पेंट लगाऊंगी अपने और साथ में अपने नेल्स हैंड नेल्स में भी लगाऊंगी. और अभी आपको दिखाती हूँ मैं मुझे कितना सारा भानमती का पटारा साफ करना है. आज मुझे करना ही करना है, वो बहुत दिन से टल रहा है. तो चलिए आपको दिखा दूँ जल्दी से. ये देखो आप लोग क्या कबाड़ मैंने रखा है. मेरे जितने भी ये डिटान मास्क है और ये स्क्रब है और यहाँ पे मेरा ज्वेलरी रहता है. उधर सब नेल पेंट्स या कुछ अनबॉक्स सामान है जो मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं करी उनकी. और जो ये देखिए आप लोग कैसे इसमें सामान भरा है. चारकोल है और यहाँ पे एक और भी इसके अंदर सामान बहुत कुछ है. ये तो सिर्फ मेरी एक है शेल्फ है. ये देखो आप एक वार्डरोब है. अभी मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ. उसमें अटैच्ड थ्री हैं इस तरह से 1, 2 एंड देन ये लास्टली 3 है. इसमें सारे मैंने शूज़ अपने भर रखे हैं. मेरा बहुत मेरी दो शूज़ की ये ड्रॉर्स हैं. बहुत पका लिया मैंने आपको. मैं दिखा तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर तो ये देखो आप ये मेरी जो शेल्फ है इसमें मैंने को सिर्फ और सिर्फ अपने मॉइस्चराइजर्स टोनर मेकअप ब्रशेस और ये पूरा मेकअप किट है वाइप्स और पता नहीं क्या क्या. इसलिए मेरे बैंड्स हैं, हेयर बैंड बॉक्स अलग है, ये मेरी मैट लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक्स का बैग अलग होगा. ये देखो यहाँ पे स्पंजेस रखे हैं एंड बाप रे बाप कितना सामान हो गया यहाँ पे. गॉड ये इसको मुझे पूरा साफ़ करने बिफोर मैं आपको दिखा दिया, मैं आफ्टर आपको दिखाती हूँ क्या साफ़ करने के बाद कैसा लगता है. गाइस पहले ना ये सब बहुत ऑर्गेनाइज थी. डिओ परफ्यूम्स बॉडी मिस्ट शैम्पूज एंड सब कुछ एवरीथिंग वो सो ऑर्गेनाइज. बट क्या हुआ ना जल्दी जल्दी यूज़ करने के बाद फिर ऐसे ही रख दो तो ये सब गंदा हो जाता है. देख रहे हो ना अब इसकी हालत क्या दुर्गति हो रखी है. चीख रहा है कि मुझे साफ़ कर दो सही कर दो. अभी मैं इसको आज सही करूँगी. सिर्फ क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला. ओवर एक्टिंग की औलाद तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से. बस एक सेल्फ सही करूंगी मैं, एक बाद में करूंगी फिर दूसरे दिन बाद में करूंगी, एक एक करूंगी. वरना तो मेरा तो हाल ही बेहाल हो जाना है फिर. ठीक है इसको करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगी वापस से सुंदर अच्छी प्यारी ऑर्गेनाइज. सो गाइस जैसे कि आप देख रहे थे ये मैंने आपको पहले दिखाया था एंड आफ्टर का व्यू ये है. मैंने अपने सारे बैंड्स इधर रख दिए, क्लेचर्स और क्रंचीज एंड हेयर क्लिप्स सब इसमें रख दिए हैं. बाकी ये सब शैम्पूज मिस्ट
डियो, परफ्यूम, लोशन, सनस्क्रीन, टोनर, मेकअप बॉक्स, लिपस्टिक बॉक्स, सनग्लासेस, ग्लासेस। सो गाइस, ये मेरा नेल पेंट कलेक्शन आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखो, इसमें बहुत सारी नेल पेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, सम स्पार्कल एंड सम सो मेनी कलर्स। तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। मेरे को एक ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है नेल्स पे, एक मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये कलर भी बहुत सुंदर लगता है नेल पेंट पे, पेंटिंग की है ये, एंड एक ये भी कलर अच्छा लगता है। सो मेरे पास एक कलर और भी है, लेमेंडर कलर। हाँ, मेरा दूसरा बॉक्स है वो नेल पेंट का, ये तो एक मेरा भानमती का पटारा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक और है, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, वो ये नेल पेंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, कलबा की। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है कलर। अभी मेरे लेग्स पे थोड़ा सा मैंने ये कलर ट्राई किया था और ये कलर मेरे पर लगा हुआ था, तो मैं इसको रिमूव करूँगी अपने रिमूवर पैड से। सो अभी इसको रिमूव करने के बाद मैं न्यू नेल पेंट लगाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है लगाने के बाद। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये नेल पेंट लग गई है मेरे पैर में और लग गई है, और कलर देख रहे हो कितना प्यारा सा आया है। न्यून कैमरे में थोड़ा सा ये डिफरेंट डार्क ज़्यादा पता चल रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ये, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सो नेल्स पे नहीं लगाया, हैंड नेल्स पे नहीं लगाया, लेग नेल्स पे लगाया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज, ये था मेरा फुल ऑन टायरिंग डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो मैं उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। बहुत थक गई हूँ। तो ठीक है गाइज, टेक केयर। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, और ये भी मत भूलिए, दैट आई लव यू सो मच। बाय बाय।